चॉइस और ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मेरी चॉइस है तो मैं किया कार्निवल चला रहा हूँ। किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि उसके पास मर्सिडीज़ की बी क्लास हो। और किसी ने मुझसे अनुरोध किया कि सर बिना चश्मे के आप रिव्यू करेंगे ना तो आप जनता से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, और मुझे चश्मा ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों मैं आज इस किया कार्निवल के साथ आपके बीच में आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसके साथ एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ जो 5 दिन का है, और 5 दिन में आपको बताऊंगा ये किया कार्निवल किस किस परिस्थिति में क्या क्या परफॉर्म करती है, और इसने मुझे कितना खुश रखा, और क्या क्या चीज़ें इससे मुझे नज़र आई, क्या मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला के इसे खुश हूँ। तो ये सब कुछ नज़र आएगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे तुरंत पूछें, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो आज की तारीख है वो है 2 जुलाई, और 2 जुलाई को इस गाड़ी को मैंने उठाया है किया से, और एक्सपीरियंस करने के लिए कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो जहां मैं बैठा हूं ये वो लग्जरी है जिसका जिक्र ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस गाड़ी को अगर मैं ख़रीदता हूं ना तो मैं इस सीट पर बैठकर ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। आजकल वैसे भी मीटिंग करने के लिए लोग ऑफिसेज़ में नहीं जाते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं अपनी गाड़ी का एसी चला के रखूँगा और यहीं पर मीटिंग कर लूँगा, और उस मीटिंग को मैं सफलतापूर्वक अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये इस गाड़ी के साथ आपको मेरा 5 दिन का सफ़र नज़र आएगा, तो इसमें क्या क्या मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि ये गेट खुला जिस तरीके से, तो इसकी जो कुल लंबाई है, सबसे पहले लंबाई से भी पहले मैं जिक्र करता हूँ इसकी कीमत की। तो जिसकी कीमत है वो है 33,95,000 रुपये, और ये एक शोरूम कीमत है। अगर आप ऑन रोड की बात करेंगे तो ये 40 लाख रुपए तक चला जाता है। तो 40 लाख रुपए में क्या मिलता है, ये इसका टॉप वेरिएंट है लिमोजिन, और इसमें आपको 7 सीटर ऑप्शन के साथ, जिस गाड़ी को चला रहा हूँ इसमें 7 सीट है, कैप्टन सीट 2 यहाँ मिल जाती हैं, और ड्राइवर और एक को ड्राइवर सीट हो गई, 4 हो गए, और ये पीछे 3 हो गया। मैं कोशिश करूँगा आपको इसमें 7 लोगों को बिठाकर दिखाने की भी, अगर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं टकराते हैं, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा जाएगा तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा किया कार्निवल के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी जी कैसे। लेकिन पीछे बैठ कर जो चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकली नहीं मिलती हैं वो ये है, ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अच्छा है, ईजी है, ऐसा नहीं है कि आप ये हार्ड प्लास्टिक के साथ खेल रहे हो, ये बहुत अच्छे से आपको एडजस्ट कर सकता है। आप लेटना चाहें तो यहाँ तक इसको कर सकते हैं, और ये भी आगे आप दिखा देता हूँ आपको, अगर ये करेंगे तो ये निकल जाएगा, आप सोते हुए अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहें। तो ये पूरी लग्जरी आपको इस गाड़ी में मिलती है। अब मैं बता देता हूँ ये जो लग्जरी समेटी गई है कहाँ पे समेटी गई है, क्योंकि अगर इसका साइज़ देखेंगे तो आपको बहुत लंबा दिखेगा, तो इस पर जो 5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो इसका एग्जैक्ट साइज़ मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास है। अगर मैं इंजन का जिक्र अभी ना करूं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका रिव्यू आप पहले भी देख चुके हो, लेकिन जानना ज़रूरी है आपको इसका साइज़ क्या है, क्योंकि कई बार दिमाग से उतर जाता है। तो इसका साइज़ मैं इसकी बताऊंगा आपको, साइज़ यानी कि लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, ऊंची कितनी है। तो 5115 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी गाड़ी है कि इसमें अगर छोटी गाड़ियाँ जो आती है ना एंट्री लेवल वाली, उसको भी रख सकते हैं इसके अंदर, इतनी जगह इसके अंदर नज़र आती है। इसकी जो आपको चौड़ाई मिलती है 1985 मिलीमीटर है, और इस चौड़ाई का पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है आपके कंफर्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह मिल जाती है। आप पीछे बैठ के लगता है कि आप बड़े से घर में बैठे हो, और ये मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी बोलता है कि पापा एक घर जैसी गाड़ी है। और इसके बाद में मैं हाइट का जिक्र करूं, 1755 मिलीमीटर इसकी हाइट है, तो ये मुझे फ़ायदा दे जाता है मेरे हेडरूम की जगह पर, क्योंकि मुझे एक सुकून वाली जगह मिलती है बैठने के लिए, उस चारों तरफ का नज़ारा दिख रहा होता है। और ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। 540 लीटर का बूट स्पेस है, अगर सीटें आप फोल्ड कर दो पीछे वाली तो और बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ इस गाड़ी में लग्जरी मिलती है। 3060 मिलीमीटर इसका व्हील बेस है। ये कुछ नंबर्स आपको के लिए इस लेकर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे कि किस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ कि ये किया कार्निवल जब शहर में पहुँचेगी ना भीड़भाड़ वाली जगह पे, तो वहाँ पर क्या इसे संभालना आसान रहता है या नहीं। तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिए। तो मैं पीछे सीट पर बैठा हूँ, और मैं शुरुआत पहले दिन जो अपना है, पहले दिन मैं यही इंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव बहुत करता हूँ। और आपको बता दूँ ये सीट ऐसी सीट होती है जहाँ पर आप कम्फर्टेबल होकर बैठते हैं और आराम से सुकून की जो यात्रा करना चाहते हैं वो कैसे कर पाते हैं, उसका ही जिक्र इस सीट से करने वाला हूं। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि ये दोनों सीटें बहुत आसपास रखी हुई हैं, तो इधर आपको बहुत जगह मिल जाती है और इस सीट के उस तरफ बहुत सारी जगह मिल जाती है। अब इसका बेनिफिट आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि
अगर ये वाला पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसके हाथ से आपका हाथ टकरा सकता है। मुझे लगता है कि सीट ये थोड़ी सी इधर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये तरीका हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन मैं बहुत ही आराम में बैठा हूँ अभी। और मेरे लेगरूम की बात करेंगे तो 5115 मिलीमीटर लंबी इस कार में अगर मैं बैठकर पूरा पैर मेरा फैला हुआ है, मतलब अगर मैं ड्राइवर की सीट छूना चाह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना सारा लेगरूम यहाँ पर मिल जाता है। कंफर्ट के लिहाज से बात करें तो आपको यहाँ पर आप अपना सनरूफ ओपन कर सकते हैं, जिसको मैंने खोल दिया है, बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने खोल दिया है और मैं देख सकता हूँ आसमान में कि क्या क्या है, मेरे ऊपर से क्या गुजर रहा है। अगर मौसम अच्छा है तो ये आपको मज़ा देगा। साथ ही यहाँ पर आप एसी सेट कर सकते हैं और ये भी सब बहुत ही एक्सेसिबल है, बहुत ही व्यावहारिक है। और इसमें आपको स्मार्ट प्योर एयर मिला लगा के दिया गया है, यानी कि अंदर केबिन की हवा हमेशा जो है प्योरीफाई होती रहती है, तो खुश होकर आप यहाँ पर सुकून के साथ सांस ले सकते हैं। तो पोल्यूशन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। और ये सब मैं पीछे सीट पर बैठकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि मैं अमूमन ड्राइव करता हूँ। और आपको यहाँ पर चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी, एसी वेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको गर्मी का एहसास कभी नहीं होगा। और अगर आप पीछे सीट पर बैठते हैं किया कार्निवल के इस वाले पर, तो मैं आपको बता दूँ आपको मन करेगा कि आप ड्राइव ना करें, आप सिर्फ यहीं बैठें, यही आपकी एक फिक्स सीट हो जाए। अगर आपकी गाड़ी लेते हैं तो मुझे लगता है ड्राइवर की भी व्यवस्था कीजिएगा। और पीछे से इतना आराम मुझे मिल रहा है तो मैंने सोचा पहले दिन जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो पहले दिन ये वाली लग्जरी का फ़ायदा उठाया जाए और देखा जाए। और आपको एक बड़ा सा स्क्रीन भी मिलता है जिसपे आप बहुत कुछ, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सब कुछ इसे आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, प्ले कर सकते हो, जो जो आपको चाहिए अपने पसंद के गाने देख सकते, सुन सकते हो, देख सकते हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कैरी कर सकते हो और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। 37 कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं इसमें, इस UVO ऐप में, और उसके ज़रिए आप पूरी दुनिया से कनेक्ट रह सकते हो, साथ ही दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने कार से कनेक्ट रह सकते हो। तो पीछे वाली सीट पर, जिसके पीछे एक और दुनिया बसती है, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ से फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन वहाँ पर भी बैठा हुआ इंसान अपने आप को ये नहीं महसूस करेगा कि वो थर्ड रो में बैठा हुआ है। और किया कार्निवल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो पीछे सीट पर और पहले दिन से फिलहाल मैं इतना ही बताऊँगा जो मुझे मिला। इसके पहले आपको अगर रिव्यू देखना है मेरा, क्योंकि मैं हैदराबाद में इसका रिव्यू किया था, आई मार्क पर बटन दे रहा हूँ, आप जाइएगा, क्लिक करिएगा और उस पूरे रिव्यू को देखिएगा अगर आपको किया कार्निवल के बारे में बहुत कुछ और जानना है। ये तो मैं 5 दिन जी रहा हूँ किया कार्निवल के साथ, मेरे पास आई हुई है तो मैंने एक शुरुआत की है और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस करना मेरा, मुझे लगा कि गाड़ी आती है तो उसके साथ क्यों ना जी कर देखा जाए। मेरे साथ हैं राहुल जी, जो कि अपने ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चला के नहीं जाते, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, और जब इस गाड़ी में बैठे तो कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहूँगा पहला कमेंट क्या होगा इसके लिए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें बैठे हो, बहुत सारी गाड़ियों में बैठते हो, तो बेस्ट रियर सीट का अगर बोलूँ कोई बढ़िया यूज़र होगा, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, तो मैं जानना चाहता हूँ इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है। जो मेरा पहला फर्स्ट रिएक्शन जो कहते हैं, जो फ्यू सेकेंड्स का, फ्यू मोमेंट्स का होता है, वो ये लगाते हैं कि मैं अपने ड्राॅइंग रूम में हूँ। इतना स्पेसस, इतना कंफर्टेबल कि मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने कमरे से निकला ही नहीं हूँ और ऑफ़िस जाने के लिए मैं अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ करके मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो इस लिहाज से स्पेसस काफ़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, फीचर्स बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं। तो आई थिंक दिल्ली की ट्रैफिक में, जबकि आपको कई बार ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है, तो लगता है कि कितना जल्दी ऑफिस पहुँच जाए, आई थिंक इस गाड़ी के साथ इस तरह की जल्दी महसूस नहीं होगी। आप पूरे सफ़र को आप अच्छे ढंग से इंजॉय करेंगे और बहुत आराम से अपने इत्मीनान के साथ ऑफिस भी जाएंगे, कहीं चलो ठीक है यहाँ भी है तो आराम से गाड़ी के अंदर भी काम कर सकते हो और उतने कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकते हैं। तो सर, इंडिया में ऐसी गाड़ियाँ बहुत कम बिकती थी और इस सेगमेंट में, क्योंकि ये भी सस्ती भी है और बहुत ऊँचा हो जाता है सेगमेंट जाते हैं, तो कभी आपने उम्मीद की थी कभी ऐसी गाड़ी आएगी यहाँ? अब ये तो कपिल शर्मा वाला सवाल हो गया लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह से इंडिया का मार्केट मैच्योर हो रहा है, और फिर पहले होता था कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते थे यहाँ पे, जो ग्लोबली पहले गाड़ियों को लॉन्च करते थे इंडिया में, बाद में करते थे, अब इंडिया को फर्स्ट मार्केट के तौर पे देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ का मार्केट मैच्योर हो रहा है और यहाँ फिर इस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत है,
बस कमी थी तो किया ने उसको फुलफिल किया है, इज़ ए गुड इंडिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं सवालों के बाद ही आते हैं। अब सवाल अच्छा कर सकते हैं, रिएक्शन अच्छे आएंगे, अगर गाड़ियाँ अच्छी दोगे तो यूज़र भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब किया कार्निवल के ड्राइविंग की, और ये मेरा दूसरा दिन है, तो मैं आज दूसरे दिन इसको सिर्फ चलाने वाला हूँ हाईवे पे। और जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि जितना मैंने इस पर जब से गाड़ी उठाई है, इसके बाद थोड़ा सा चलाया था, बट मैंने कहा कि जिक्र इसका करूँगा एक दिन पूरा चलाने के बाद। तो पहला दिन मेरा चला गया यूं ही, जो कि मैंने एक दो लोगों से बात किया और आपने देखा मेरे वीडियो में, तो उनको कैसा लगा इसका कम्फर्ट, रियर सीट में मैं कैसा रहा, मुझे कितना मज़ा आया। अब मैं इसके ड्राइविंग सीट पर हूँ अभी, और ये रिव्यू नहीं है, आपको बता दूँ मैं एक नॉर्मल कार की तरह इसे चला रहा हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, हाथ पे दे दिए गए हैं इस तरफ, तो आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत इजी है उसमें, वॉइस रिकॉग्निशन इसमें दिया गया है, और वीवो के 37 फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि मैं नहीं कर पाया क्योंकि इसके लिए आपको यूज़र होना ज़रूरी है। आप जब पूरी तरह से फ़ोन, अगर या तो कोई आपके पास फ़ोन होता है किया ने दिया होता तो उसके ज़रिए आप उसे एक्सप्लोर कर पाते, पर उसकी जो समरी है ये है कि आप कहीं भी बैठे पूरी दुनिया में अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट रह सकते हो, आपकी गाड़ी पर हमेशा आपकी नज़र रहती है। तो ये 37 बड़े फीचर्स का एक छोटा सा शब्दों में, मतलब छोटे शब्दों में आपको बता दिया कि इतना कुछ आपको मिल जाता है। पूरी तरह से आप कार से कनेक्टेड हो, सारी जानकारी रख सकते हो, गाड़ी कब सर्विस पे जानी है, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और इसमें मैं जो अभी चला रहा हूँ इसे, इसकी जो भी रेंज बची हुई है 403 किलोमीटर की है। इस पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मैं दिखाता चलता हूँ आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती जाएगी। 9.5 किलोमीटर प्रति लीटर का ये माइलेज आ रहा है, और इस पर आप खुद चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, और रियल टाइम माइलेज भी आपके सामने आता रहेगा कि किस तरीके से अभी आपको मिल रहा है। तो इको पे मैं चल रहा हूँ, इसको इको पे ड्राइव कर रहा हूँ, और इको में आप देख सकते हैं कितना मुझे अभी माइलेज मिल रहा है। तो जो फ्यूल इकोनॉमी इस पर नज़र आ रही है 10.3 किलोमीटर प्रति लीटर की आ रही है, जो इसका इसमें यूरिया लेवल भी दिखाता है इसमें क्या है, ये BS6 वाला मैकेनिज्म है अगर आप, और साथ ही ये मिलता रहेगा आपको अगर आप इस जो इसका एनालॉग मीटर है उस पर नहीं जाना है आपको, तो डिजिटली दिखाता रहता है कि आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रफ्तार भर रहे हो। तो कंफर्ट की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो आपके हाथ में है उसकी बात करें, तो ये आपको खुश करके जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सारे फीचर्स हैं जिस जो इसमें दिए गए हैं, और कंफर्ट आप देख सकते हैं, मुझे बहुत मज़ेदार लग रही है इसकी सीटें। और मैं इस हाईवे पर, जो मैंने हाईवे अभी तक कवर किया हो बता दूँ, जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि मैं इसे गुड़गांव से लेके आया हूँ दिल्ली तक, तो इतना रास्ता हो गया। और इसमें मैं मान बता दूँ आपको कि 20-22 किलोमीटर का इसमें हाईवे था, और बाकी तो 60 किलोमीटर की इस यात्रा में काफ़ी कुछ सिटी वाला रास्ता आया। तो हाईवे वाला अगर आप जिक्र करेंगे तो हाईवे पर ये सबसे बढ़िया आपको 80-100 की स्पीड पर ये बढ़िया से क्रूज़ करती है। मैं टॉप स्पीड तो नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि ये गाड़ी वैसी नहीं है जिसके लिए मैं टॉप स्पीड पर जाने की कोशिश करूं, लेकिन बहुत आराम से जहां पर आप करना चाहते हो, जो करना चाहते हो वहां पर लेके चली जाती है। जो इसकी मैनुअरेबिलिटी है वो बहुत ही लाजवाब है, जब आप कॉर्नर से कहीं पर भी इसे टर्न कर रहे होते हो तो ये आपको सपोर्ट कर देती है, यानी कि ये चिपकी रहती है लाइन से, ये नहीं बताती कि मैं बहुत लंबी हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी, यहाँ पर मुड़ने में दिक्कत है, ये कुछ नहीं होने वाला है। और इसका जो रियर पार्किंग कैमरा है जो लाइन के साथ आता है पूरा, इसमें दिखाता रहता है, दर्शाता रहता है दिशा निर्देश के साथ, वो आपको गाड़ी को पार्क करने में भी मदद करता है, और बहुत ही क्रिस्टल है और क्लियर है इसका कैमरा, उसका भी एक शॉट आपके लिए इसमें डाल रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.tivedi, और वहाँ आपको पता चल जाएगा इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके गियर के बारे में, आपको बता दूँ इसमें 8-speed EMT आता है, और ये पूरी तरीके से प्योर टॉर्क कन्वर्टर है। और आपको बताता चलूँ जो इसका रिफाइनमेंट है बहुत अच्छा है, जो आपको BMW की गाड़ियों में मिलता है वैसा कुछ आपको ये फील देगा, और इसकी शिफ्टिंग का कहीं से भी आपको आभास नहीं होने देता है। तो इसका ये रिफाइनमेंट अलग है। और एक साथ इसके साथ ही एक जिक्र और यहाँ पे करता चलूँ, क्योंकि मैं हाईवे का जिक्र कर रहा हूँ तो आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि NVH लेवल कैसा है इसमें। तो जो पीछे बैठकर, अगर जब मैं थोड़ी देर बैठा तो भी मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ, थोड़े मोड़े स्पीड अगर स्पीड ब्रेकर आते हैं तो वो कंफर्ट नहीं ख़त्म होने देते हैं पीछे सवारी का, और ना ही आपका अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपको इस जगह पर भी सपोर्ट करती है। मेरा नाम दीपाली पोरवाल है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं किया कार्निवल की इस कार में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ।
इसके फीचर्स मैंने आज तक किसी दूसरी इंडियन कार में नहीं देखे हैं। ये बहुत ही स्पेशियस है, इसमें दो सनरूफ्स हैं, और अगर इंडिया में इस तरह की और कार्स बनती हैं तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत ही गौरव वाला पल होगा। इसमें कूलिंग बहुत अच्छी है और स्पेस इतना है कि आप पीछे अगर सीट्स फोल्ड हो जाएँ तो आप कुछ भी ईजिली रख सकते हैं, अपना बेड सॉर्ट ऑफ बना सकते हैं। सो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये दिन है पाँचवाँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने चीज़ें इसे इसके साथ एक्सपीरियंस की किया कार्निवल के साथ, तो आपको बता सकता हूँ कि ये गाड़ी सच में अलग है। और अब आप ट्रैफिक में चलेंगे ना तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऐसा लगता नहीं कि आप जो है 5 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। और जब उबड़ खापड़ गड्ढे से निकल रहे होते हो तो सच बता रहा हूँ दिल से कि उसका पता केबिन में नहीं आता है। और ये गड्ढे भी आप देख सकते हो जिस तरीके से गड्ढे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और अगर आप केबिन में बैठे होगे इस गाड़ी में इस दौरान अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो आपको एकदम अंदाज़ा नहीं होगा कि आप इसके केबिन में बैठे हो। तो जो इतनी ज़्यादा कीमत है इसकी, क्योंकि जिस लग्जरी के साथ पेश किया गया है उसके लिहाज से ये कीमत कुछ भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कुछ इसके व्यावहारिक फीचर्स। और ये चाबी अपने आप में संपूर्ण है, क्यों है आपको दिखाता हूँ, क्योंकि चाबियाँ दिखानी आज के टाइम में गाड़ी की बहुत ज़रूरी हो गई हैं। तो देखिए ये चाबी आप देख रहे हैं, आपको लॉक मिल गया, यहाँ अनलॉक मिल गया, और ये दो चाबी हो गई, दो बटन हो गया है। इसको मैं दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों ये जो चाबी देख रहे हो ये बहुत ही काम की है, और इस पर ये जो दो बटन देख रहे हो यही लग्जरी है और यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता। दिखाता हूँ, आप कुछ मत करिए, इसे दबा के रखिए, और इसने अपनी बाहें खोल दी हैं मेरे लिए, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने गेट की कोई भी की नहीं दबाई और मैं अब अंदर बैठ सकता हूं। आप देख सकते हैं, तो ये इसकी चाबी पे संभव है, और दोनों दरवाजे आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इधर वाली से लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इस वाली से राइट हैंड वाला। तो दोस्तों कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं, अगर चाबी आपके पास है और आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो ये गाड़ी अपने आप सेंस कर लेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया और इसका बूट एक्सेस हो जाएगा पूरा, इसने मुझे सेंस किया है, बस मुझे यहाँ खड़े रहना, हिलना नहीं है। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है पीछे वाला, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, अपना पूरा सामान रख सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी जगह आपको मिल गई सामान रखने के लिए। इसमें 12 वोल्ट के सॉकेट भी दिए गए हैं, अगर चार्जिंग वार्जिंग कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अब अगले वाले सीन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसकी सीटें फोल्ड होती हैं, मतलब एक फ्लैट फर्श बन जाता है बड़ा वाला, वो भी दिखाता हूँ किस तरीके से होता है सब, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आइए इसकी थर्ड रो फोल्ड करके दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से इसकी थर्ड रो को आप फोल्ड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, और कितने तरीके से मिलता है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला खींचना है आपको बाहर, ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। तो अभी आपको इस सारी सामान रखने की यहाँ पर जगह मिल गई, ऊंचा सामान तो यहाँ रख लीजिए, और सीट यहाँ तक फोल्ड हुई है। आगे कैसे होता है वो दिखाता हूँ, ये आप देखिए ये दिया गया है, इसे खींच लीजिए और यहाँ पर ये आया, दबा दीजिए और इसको यूँ खींचिए, फिर इस वाले पार्ट को, और ये यहाँ तक आया और इसे यूँ दबा दीजिए। और अब आप देखिए आपको क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा एक फ्लैट फर्श मिल गया, जो कि अगर आपको ये सीटों की ज़रूरत नहीं है ना तो इसको सामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इतना बड़ा है ना कि इस पर अगर गद्दा डाल दें तो आप सो भी सकते हैं। इंजन जाना, परफॉर्मेंस जानी, लेकिन यूटिलिटी भूल गए, मतलब क्या क्या चीज़ें मिलती है इसको कार्निवल में। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जैक कहाँ होता है, ये खोल दिए दरवाज़ा, ये खुल जा सिमसिम वाला, खोल के रख दीजिए, और यहाँ पर जैक पड़ा हुआ है। और ये भी आपको दिखाता हूँ कि इस पर जैक तो है लेकिन स्टेपनी कहाँ है, जिसे अगर आपको बदलना पड़ जाए तो बदलोगे कैसे, मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको दिखाता हूँ इस पर स्टेपनी कहाँ है, और थोड़ा खोलने की भी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं इसकी स्टेपनी कहाँ है, क्योंकि जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास कार्निवल आपने खरीद ली और कुछ चीज़ें मिस हो गई, आपको जानना है कि कहाँ पे है तो देखना ज़रूरी है। तो कुछ मत करिए, कुछ थोड़ा सा आप जो है डिस्ट्रॉय करिए, क्या डिस्ट्रॉय कुछ नहीं करना है, ये जो बसी बसाई दुनिया है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और बल्कि बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा साफ भी हो जाएगा, रख दीजिए फिलहाल, ठीक है, फेंकना नहीं है आपको क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा अगर खरीदने गए इसे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा ये दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है इस पे कि स्पेयर टायर, जब आप इसे हटा दोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा स्पेयर टायर दिया हुआ है ये। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं समझिए कि मैं यात्रा करने के लिए बैठा हूँ, थक गया हूँ बैठा हूँ, क्योंकि अभी इसको एक्सेस करना है ना, तो ये चाबी अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आप नाखून तोड़ दोगे अगर निकालने के चक्कर में, अगर आप निकालने की कोशिश करोगे यहाँ वाला जो कवर दिया गया जहाँ पे स्पेयर टायर आपका दिखता है। तो इसे कुछ नहीं करना है, आपको इसी चाबी से इसको दबाना है और ये बाहर निकल गया। ये वाला पार्ट देख लीजिए, इस पर लिखा हुआ है स्पेयर टायर, मतलब इस
चीज़ को हटाएंगे तभी आप इसका स्पेयर व्हील खोल पाएंगे। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ स्पेयर व्हील खोलते कैसे हैं। तो ये जगह आपकी ओपन हो चुकी है, अब आइए बढ़ते हैं स्पेयर व्हील खोलने के लिए। तो स्पेयर व्हील से आपको ऐसे एक मिलेगा पूरा खजाना, उसमें से आपको क्या पार्ट निकालना है मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट सबसे काम का है, और इसके बाद में एक चीज़ और, ये भी आपको निकालना ही निकालना है, ये वाला भी निकाल लीजिए आप। कैसे खुलेगा दिखाता हूँ। तो ये मैंने हाथ में ले लिया है, दिखाता हूँ ये कहाँ पे आपका खोलने वाला कैसे होगा। तो ये वाला पार्ट है, तो हाथ से निकालने की कोशिश मत करिए, इससे स्क्रू ड्राइवर से कर दीजिए। बाहर आ गया, बाहर आ गया, अब यहाँ पर ये चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इसे लगाने के बाद में आप इसे नीचे कर दिए, नीचे करेंगे तो ये चल पड़ा, मतलब इस चक्की को चलाते जाएंगे आपका व्हील बाहर निकल आएगा। और मैं पूरा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर मुश्किल होगी लगाने में, बट ये ज़रूर दिखा दूँगा आपको कहाँ पे बाहर निकलेगा, और आप बदल लीजिए अपने हिसाब से इसे जो जहाँ पे ज़रूरत है स्पेयर व्हील को, और निकल जाइए आगे। तो परेशान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ये ना दिखाया गया हो, तो मैंने आपके लिए मेहनत करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने वो वाली मेहनत नहीं करी है जहाँ पे मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं खोल दूंगा ना तो मुझे बहुत वक्त लगेगा पूरा इसे लगाने में, और बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा ढीला कर दिया था, इसे टाइट कर दे रहा हूँ, तो यहीं से खुलेगा। तो हर बंदूक जैसी दिखने वाली चीज़ बंदूक नहीं होती है, ये जो है स्पेयर व्हील खोलने का यंत्र है। और कैसे बना ये भी दिखा दिया आपको, ये बंद कर दीजिए और खोलना है तो इसे खोल लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, वीडियोस बहुत सारे देखते हैं आप, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी वीडियोज में आपने ये चीज़ ना देखी हो। तो बहादुरी सिर्फ सीट पर बैठ जाने में नहीं है, अगर पिछले सीट पर आप बैठे हो खास करके किया कार्निवल में, तो उसकी लग्जरी एक्सप्लोर कैसे करोगे, तो मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता, पूरा मैनुअल है। लेकिन मैनुअल कैसा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको पीछे जाना है तो ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे साइड में पीछे चले जाइए, और पीछे चले गए तो अब मन करेगा कि पैर पे रखने की कोई जगह होनी चाहिए, कुछ और कहाँ पे पैर लेके जाएंगे, तो उसके लिए आप ये वाला दबा दीजिए। तो ये दबाएंगे तो ये पूरा बाहर निकल गया, मतलब ये पूरी की पूरी आपको ये लग्जरी यहाँ पर मिल गई है। और साथ ही अगर थोड़ा और चाहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसे कर दीजिए और यहाँ पर लेट जाइए, और पूरी यात्रा पर सुकून से हाथ फैलाकर सोते हुए सनरूफ खोल दीजिए, अगर मौसम ऐसा है तो एंजॉय करते हुए अपनी पूरी यात्रा कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी किया की कार्निवल, और 5 दिन इसने मेरे साथ साथ निभाया है, और मैं बता सकता हूँ कि ये गाड़ी सच में जिस तरीके से कार्निवल इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी को कार्निवल बना देता है। आपके परिवार वाले इसे खुश रहेंगे, और जब आप इसे लेके निकलेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि इस साइज़ के बावजूद आपको नहीं पता चलता कि इतनी लंबी गाड़ी आप चला रहे हो, जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें लगा हुआ है 2.2 लीटर का इंजन, और ये इंजन देता है 197.2 BHP की शक्ति और 440 Nm का टॉर्क। और इतने सब कुछ होने के बावजूद ये आपके चेहरे पर एक खुशी दे जाती है, और ये कार्निवल सच में एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है। और इसके साथ मैं एक अलग अनुभव के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये अनुभव जो मेरा इसके साथ मैंने जिया ये पसंद आया होगा। ये रिव्यू नहीं था, ये थी एक दोस्ती जो मैंने 5 दिन किया कार्निवल के साथ निभाई।